हेलो दोस्तों नमस्कार, आप अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञान चंद फैब्रिकेशन के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ कि स्टील के पाइप पर फिनिशिंग कैसे मारा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टील के पाइप में फिनिशिंग मारने के लिए कौन सा राड यूज होगा और कितने एम्पियर पर जैसे वेल्डिंग मारी जाती है अगर 30 गेज की पाइप रहेगी तो, और साथ ही साथ दोस्तों कौन से राड का यूज किया जाता है और कौन कौन सी विधि प्रयोग होती है फिनिशिंग मारने के लिए। तो दोस्तों इन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एसएस की पाइप में वेल्डिंग मारने के लिए सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो दो पाइप का टुकड़ा है तो इसमें जो है कि हम वेल्डिंग मार करके इसमें फिनिशिंग मारेंगे और फिनिशिंग ऐसी होनी चाहिए दोस्तों कि जैसी इधर की दिखाई दे रही है ठीक वैसी ही यहाँ पर भी होनी चाहिए, तभी जो है कि वो जैसे फिनिशिंग सक्सेसफुल होती है। तो दोस्तों इसमें जो है कि वेल्डिंग मारने के लिए सबसे पहले हम जो रोड यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाला है इस राड का। दोस्तों ये सुफरान का रोड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये सुफरान वाला रोड है। और जो है कि दोस्तों ये जो राड है इसकी पैकिंग देखिए कितनी अच्छी से की जाती है। दोस्तों जब हम लोग लोहे का जब रॉड खोलते हैं तो जो ऊपर का आवरण हटाते हैं तो उसके बहुत राड आ जाता है, लेकिन दोस्तों जब स्टील का लेते हैं जब हम पैकेट, तो देखिए इसको कितनी सुरक्षा से रखा जाता है। देखिए इस पे सबसे ऊपर वाला ये आवरण है, इसके बाद जब खोलेंगे तो दूसरा ये प्लास्टिक का एक आवरण आएगा, फिर जब खोलेंगे तो एक और नीचे पेपर का आवरण आएगा मतलब ये वाला, फिर इसको खोलेंगे तो एक और प्लास्टिक का आएगा, फिर इसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो है कि ये रॉड होता है। देखिए दोस्तों इसे इतनी सुरक्षा से इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर इस पे हवा लगता है ना तो कुछ दिन के बाद धीरे धीरे ये खराब होने लगता है। दोस्तों जो लोहे में वेल्डिंग मारने वाला राड होता है वो तो खैर अगर 6 महीना 7 महीना अगर पड़ा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें का जो मसाला होता है वो क्या होता है कि थोड़ा सा खराब होने लगता है। तो दोस्तों जिस राड का यूज करने वाला है उसका मैं नंबर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें कौन सा राड यूज करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये नंबर इस पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सुफरान, इसके बाद लिखा हुआ है EWS, फिर 308L, मतलब ये EL लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक और नंबर दिया गया है AWS A5, फिर इसके बाद 4, फिर E308L और इसके बाद यहाँ पर है 16, मतलब जैसे कि राड का यही नंबर होता है। और जैसे कई राड आते हैं मतलब कि जो राड मैं यूज करता हूँ वो इसी नंबर का यूज करता हूँ जो आपको दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप लोग स्टील पर वेल्डिंग मारें तो पाइप के हिसाब से जैसे कि वोल्टेज को भी सेट करें। दोस्तों अगर आपके पास पाइप अगर ये जो है 20 गेज वाली रहेगी तो आप करीब करीब 70 से 80 के बीच में जो है कि उसका एम्पियर रख सकते हैं, मतलब वेल्डिंग का एम्पियर। और अगर मान लीजिए 18 गेज की है तो आप जैसे कि 100 एम्पियर या फिर उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास 18 गेज वाली है तो इस पर भी वेल्डिंग मार करके मैं आप लोगों को फिनिशिंग दिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि फिनिशिंग मारने के लिए कौन कौन से व्हीलों का उपयोग किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप लोग देख सकते हैं इसमें वेल्डिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स जब भी आप स्टील में वेल्डिंग मारे तो पहले एक बार मार लेवे जैसे मैंने मारा था, फिर चिपिंग करने के बाद एक बार दोबारा आप लोग मार लेवे, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप लोग पहली बार मारते हैं तो कहीं कहीं पे इसमें बीच में गैपिंग रह जाता है, तो जब आप लोग फिनिशिंग करने लगते हैं तो आपका खाल दिखाने लगता है, लेकिन जब आप लोग दोबारा जो है इसे मार लेंगे तो ये जो है सब कुछ भरा जाएगा। जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं अब ये भरा गया है, अब हमें इसमें फिनिश मारना है। तो फ्रेंड्स फिनिशिंग मारने के लिए जो व्हीले का प्रयोग किया जाता है उसमें देखिए सबसे पहले जो है इसका प्रयोग किया जाता है, इसे पेपर ग्राइंडिंग व्हील बोलते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर इसका प्रयोग किया
जाता है, इसे लाल मेट बोलते हैं। और इसके बाद लास्ट में इसका प्रयोग किया जाता है हरे साबुन के साथ, जो आप लोग बगल में देख रहे हैं। फ्रेंड्स ये जो है ये हरा साबुन है, इसका प्रयोग किया जाता है इसके साथ लास्ट में। मतलब सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे हम, इसके बाद जो है इसका प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद हम इसका प्रयोग करेंगे।